अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एकदम चटपटी रेसिपी, जो कि है अरबी मसाले वाली। आप इसे रोटी से भी खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं इसको। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और ये बनने में भी बहुत ही ज़्यादा ईजी रेसिपी है, तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। तो सबसे पहले हम अरबी को ले लेंगे, इस तरीके की हम अरबी लेंगे और इसको अच्छे से हम धो लेंगे, कुकर में डाल के बॉईल कर देंगे इसको। तो चलिए बॉईल करते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने अरबी को बॉईल कर लिया है और इसके हमने सारे छिलके भी निकाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। और अब हम ले लेंगे एक कढ़ाई और उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे और बारीक कटा हुआ लहसुन। और अब इसमें हम थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड कर देंगे और इसमें डालेंगे हींग। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से चला लेंगे और अब इसमें हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे। और अब इसमें हम बारीक कटी हुई प्याज, 2 बड़ी प्याज ली है मैंने, उनको भी मैंने इस तरीके से चॉप करके डाल दिया है। अब अच्छी तरह से हम प्याज को भून लेंगे। प्याज को हम हल्का गोल्डन फ्राई करेंगे और इसमें हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल देंगे हम नमक। अच्छे से इसको हम भून लेंगे, थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड करेंगे जिससे कि हमारे मसाले जो हैं जलेंगे नहीं। अच्छी तरह से हम इसे भूनेंगे और अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर को हमने अच्छी तरह से बिल्कुल काट लिया है और इसको हम 2 मिनट तक इसी तरीके से भूनेंगे, ढक करके रख देंगे इसे हम। तो आप देख सकते हैं 2 मिनट हो चुके हैं, मसाले जो हैं सारे भून चुके हैं। अब इसमें हम इसी तरीके से भूनते हुए डाल देंगे अरबी, बॉयल अरबी को हमने जो किया था वो डालेंगे इसमें और सभी मसालों के साथ हम इसको मिला लेंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे कच्चा आम, आप चाहे तो इसमें नींबू भी डाल सकते हैं, मैंने दोनों ही चीज़ें डाली हैं, नींबू भी डाला है और इसमें कच्चा आम भी डाला है। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से हमने 2 मिनट के लिए फिर रख दिया था। यहाँ पे जो है अभी बन के रेडी है। तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया, यहाँ पे हम नींबू निचोड़ देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेसिपी है, आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना।